वजीर आजम इमरान खान की हमदर्दी के जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने जहर उगला है। जी हाँ, हाल ही में इमरान खान ने कहा था कि आज जो भारत में नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं वो कायदे आजम पाकिस्तान बनने से पहले कहा करते थे कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते और अगर पाकिस्तान ना बना तो हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। वजह से कौन कायदे आजम अलहदा हुए और वो वजह ये थी कि उनको आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि जो कांग्रेस हिंदुस्तान मांग रही है उसमें मुसलमानों को बराबर का शहरी नहीं समझा जाएगा। इसके जवाब में नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि इमरान खान को हर मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस बात का इमरान खान से वास्ता हो वो बस उस बात पर बोले। भारत एक सेकुलर मुल्क है और हमें पता है कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। याद रहे कि हाल ही में नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को भारत में महफूज नहीं समझता क्योंकि यहाँ गाय की तो हिफाजत की जाती है लेकिन मुसलमान की नहीं। नसीरुद्दीन के इस बयान पर भारत में उनको खूब तनकीद का निशाना बनाया गया और इन्हें भारत छोड़कर जाने को कहा गया और ख्याल किया जा रहा है कि नसीरुद्दीन ने इमरान खान के खिलाफ बयान इसी तनाजर में दिया है ताकि भारतीय इंतहा पसंद तंजीमों से वो बच सकें।